Hello and welcome to the Cricket Draft Youngistan. Myself Bhupen Dalwani, a current Mumbai Ranji Trophy player. और आज हमारे साथ है मिस साइली सटगरे. साइली has represented Mumbai in under 19, under 23 women's senior team and also India under 19 red team. So hello साइली and welcome. Yes, thank you. So मैं आपसे directly first question पूछूंगा. आपने last दो season से बहुत consistently perform किया है. 14 wickets in one day or senior women tournament. So as a bowler, you were leading from the front. So tell us about some interesting memories. आप अपने यादगार मैचों के परफॉर्मेंस के बारे में हमें कुछ बताएं. Just वो है कि as a bowler अगर new ball मेरे को दे captain, then it's my job to strike early, you know, early breakthroughs, दे that team go. वो अच्छा होता है आगे उसके लिए. सो वही ट्राई कर रहे थे हम लोग. और मतलब एज अ पेस बॉलिंग यूनिट हम लोग ने बहुत अच्छा किया ये सीजन में. मी मनाली एंड साइमा शेयर्ड अराउंड 40-45 विकेट्स बिटवीन अस. सो दैट वाज एंड एवरी मैच हम लोग यही ट्राई कर रहे थे कि अर्ली ब्रेक थ्रू इज द टीम गो. तो यू नो बोथ ऑफ देम ऑल्सो सपोर्टेड वेल. सो सीजन हमारे मैचेस मुंबई में ही थे. सो विकेट्स भी हम लोगों को मतलब विकेट्स बहुत हेल्पफुल थे. वी हैड ग्रीन टॉप पिचेस तो वो बहुत असिस्ट कर रहा था मतलब. और हमारे मोस्टली सारे मैचेस विकेट्स पे ही हुए. तो अगेंस्ट डू एंड दिल्ली ओडिशा सो वी आर प्लेइंग देयर सो विकेट्स आर हेल्पिंग. तमिलनाडु अगेंस्ट भी मतलब I got 3 wickets in the first 5 overs. तो वो एक मैच बहुत अच्छा रहा था. एंड बाकी मैचेस में भी द विकेट्स वर एक्चुअली हेल्पिंग. सो एज अ पेस बॉलर एंड इफ आई एम बोलिंग द न्यू बॉल वो इट वॉज गुड दैट विकेट भी हेल्पफुल थे. सो माई जॉब वॉज टू गिव अर्ली ब्रेक थ्रूज फॉर द टीम. तो दैट वॉज गुड. बराबर बराबर. और साथ ही साथ आपने अंडर 23 में भी 10 विकेट लिए. तो उस पूरे टूर्नामेंट के सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंस के बारे में भी हमें कुछ बताएं. एक्चुअली अंडर 23 जो है वो हम लोग खेल रहे थे. सो वहाँ पे वेदर भी बहुत कोल्ड था एंड उधर भी हमें अर्ली मॉर्निंग में बहुत हेल्प मिल रही थी. सो अगेन महाराष्ट्र आई थिंक विल बी द मोस्ट मेमोरेबल एज यू नो इन द पाकिस्तान जैसे होता है लाइक इट्स एन ओल्ड रिवलरी. तो वो मैच में मेरे को 3 विकेट्स मिले थे एंड देन अगेन वी वर चेजिंग समथिंग 140. सो आई वेंट टू बैट एंड फोर सम 35 नॉट आउट. सो आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट मेमोरेबल मैच इन दैट टूर्नामेंट. अच्छा तो आपने वो जो महाराष्ट्र के अगेंस्ट 3 विकेट लिए थे वो आपके लिए सबसे मेमोरेबल मैच था. और उस मैच में शायद हमारी टीम जीती भी थी. यस यस. और एक परफॉर्मेंस और है आपका जो कोई नहीं भूल सकता. व्हेन यू टुक 6 विकेट्स फॉर जस्ट 2 इन मणिपुर. तो हमें उस परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताए, उस मैच के बारे में कुछ बताए रिगार्डिंग द मैच सिचुएशन, द मैच विकेट और आपने कैसे उस दिन अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया. आई थिंक वो मैचेस के टाइम पे वी वर इन कटक. सो उधर बहुत बारिश हो रहा था एंड इट रेन्ड बिफोर द मैच टू एंड इट वाज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू विन दैट मैच विद अ बिग मार्जिन बिकॉज़ वी वांटेड टू क्वालिफाई सुपर लीग. तो तो जब भी सुबह हम लोग गए तभी भी थोड़ा आउटफील्ड वेट था. गेम भी थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ एंड बिफोर दैट एक्चुअली आई वाज नॉट विनिंग एनी टॉसेस. सो वी वर नॉट एबल टू बोल फर्स्ट बट लकीली दैट मैच आई वन द टॉस एंड देन वी फील्डेड फर्स्ट. तो वेट कंडीशंस तो बॉल भी थोड़ा रुक के आ रहा था अभी. तो प्लान वॉज जस्ट to you know keep bowling discipline line and length and hit good areas. So luckily it was executed well that day and got 6 wickets. इसी तरह
वापस उस समय भी आपने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया और आपने 6 विकेट्स लिए और डेफिनेटली मुंबई वो मैच जीती होगी. यस दे वर ऑल आउट फॉर एक्चुअली जस्ट 12 रन समथिंग. ओ सो ऑलमोस्ट वन साइड विन. सो ये तो हो गया आपके सबसे यादगार मैच के बारे में. लेकिन आपने मुंबई में मुंबई को सब एज ग्रुप से ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट किया है. अंडर 19, अंडर 23, वुमेन्स सीनियर, इंडिया अंडर 19 रेड. सो टेल अस दैट हाउ डिफिकल्ट इज इट टू सस्टेन योर प्लेस इन अ स्टेट लेवल टीम लाइक मुंबई. व्हाट आर द चैलेंजेस एंड द हार्ड वर्क वन गोस थ्रू. कितना डिफिकल्ट. आई थिंक मुंबई टीम इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड इन इंडिया. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि जब भी अपॉर्चुनिटीज मिलता है कोई भी मैच में खेलने को सो वी डू वेल वी परफॉर्म वेल इन दैट मैच एंड यू नो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड कीप इम्प्रूविंग योर गेम एवरी डे यू प्रैक्टिस एंड रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड यू नो वर्क अकॉर्डिंगली. आई मेड माई डेब्यू एक्चुअली व्हेन आई वाज 15. So that time it was important ki, you know, I can, there were a lot of seniors who were very supportive also. So that also helped to, you know, recognize what my strengths are and they helped and they were quite supportive. So it was good and, you know, they just, if looking at seniors also, you can learn so much, like the way they work, keep working hard. Always, you know, just try to win the game for your team and nothing else. Important to keep working hard and, you know, if you want to sustain for a long period of time, you have to work on your fitness too. Yeah. So I think that is the most important thing. क्या लगता है एज अ विमेन क्रिकेटर ऐसी क्या चीजें इम्प्लीमेंट करी जा सकती है या ऐसी क्या चीजें हो सकती है जिससे इंडिया में विमेन क्रिकेट और बेटर या और इम्प्रूव हो सकता है. आई थिंक एट द लोअर लेवल आई थिंक ज्यादा अगर क्लब मैचेस होंगे और स्कूल लेवल क्रिकेट एंड क्लब मैचेस सो यू नो प्लेयर्स विल गेट द चांस टू प्ले मोर मैचेस एंड यू नो यू कैन प्रैक्टिस कितना भी प्रैक्टिस कर लो बट जो मैच सिचुएशन है वो मतलब वो एक्सपीरियंस सिर्फ ज्यादा मैचेस खेल के ही होगा. तो इफ यू प्ले मोर मैचेस एट द क्लब लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इट विल हेल्प द प्लेयर्स टू यू नो परफॉर्म वेल व्हेन दे आर प्लेइंग फॉर द स्टेट. एक्चुअली दैट विल हेल्प फॉर यू नो द इंडियन प्लेयर्स टू समवन इज गोइंग एट द हायर लेवल. With that experience, they can do well there too. And also, exactly. Hopefully, in 1 or 2 years, maybe a full-fledged women's IPL will be great. Yeah, we hope for that. The women's को भी वैसा ही platform मिले. And जो भी IPL हो भी रहा है women's का, वो एक बहुत अच्छा exposure. और next year में भी full-fledged IPL हो. But in last but not the least. आपके फ्यूचर गोल्स क्या है इन कंटेक्स्ट ऑफ क्रिकेट. क्या क्या आप अचीव करना चाहते हैं आगे. गोल तो एक ही होगा कि यू नो प्ले फॉर इंडिया एंड 2011 में जो वर्ल्ड कप हम लोग ने जीता था मेंस टीम में तो यू नो आई जस्ट बाय वाचिंग दैट यू गेट इंस्पिरेशन. मतलब मेन तो is to play for India and hopefully be part of a team that wins the World Cup. You know, women's team mein abhi tak hua nahi hai wo, so hopefully we can do that and I can get the opportunity. Zarur hoga. Aur one more question is coming up from the Cricket Graph community. They are asking that which college you study in and which was the first club when practicing artistry. Okay, so right now I'm studying in Rizvi College, you know, or club I'll say ki Shiv Seva club in Borivali. I started playing there and I've matlab started playing there since I was 8 years old. For a long time I've been practicing there and you know from there I went further.
अच्छा, तो आप अभी मतलब आप रिस्पी कॉलेज में पढ़ते हैं और आपने अपना क्रिकेटिंग करियर शिवसेवा बोलीवरी से चालू किया। यस Sahil, it was very nice talking to you and thanks for giving time to Cricket Graph and we wish you all the luck for the future endeavor. Thank you. Yes, thank you very much.